आपकी धरती से जिस प्रकार की चीजें की जा रही हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप? हिंदुस्तान चुपचाप सुनता रहे, कोई प्रतिक्रिया ना दे, अपनी ओर से कोई पहलकदमी ना करे? आपकी धरती का कितना दुरुपयोग हो रहा है आप नहीं जानते हैं क्या? मैं समझता हूं कि आप अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के एक सीमित दायरे में सोच रहे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आपसे कुछ और डिमांड करती है और वहां आप चूक रहे हैं। 40 ऐसे राजनयिक हैं जिनको वापस बुला लिया गया या भेज दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक संकीर्ण दायरे में सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे ऑपरेट करती है। बार बार कह रहा हूं कि आपकी धरती का इस्तेमाल हो रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ गतिविधियों के लिए। क्या करें हम, हाथ पे हाथ धरे सुनते रहे, देखते रहे? मतलब जो एक्शन हो रहा है भारत की तरफ से उसको सही बात है? नहीं, बिल्कुल 100%। वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि वीजा को लेकर भी। देखिए, ये सारी चीजें एक साइकिल, एक चक्र है। इस चक्र में कनाडा को सोचना होगा कि आप कैसे अपना ऑपरेटिव फ्रेमवर्क तय करते हैं, आप अपने एसओपी में क्या बदलाव करते हैं। हमें नहीं करने की जरूरत है। हमने क्या किया? हमने जो भी किया है रिएक्ट किया। एक सवाल है सर, हमास इंडिया समेत 145 देश हैं जो बैक करते हैं उस रेजोल्यूशन को, खिलाफ जाते हैं इसराइल के, कि जो सेटलमेंट के तरीका है पैलेस्टाइन को लेकर वो उसको उसके ऊपर आवाज उठी है। कुल मिलाकर इसराइल और हमास की लड़ाई में आपकी अपनी राय क्या? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, हमास पैलेस्टाइन नहीं है, वो एक ऐसा संगठन है जिसके साथ फिलिस्तीन के अधिकांश लोग सहमत नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन इसराइल का यह मसला पिछली सदी का है। हिंदुस्तान का कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है, जो 74 का यूएन रेजोल्यूशन भी है, टू स्टेट सॉल्यूशन। यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नक्शे पे पता नहीं इसराइल फिलिस्तीन कहां है, लेकिन वो टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ी आबादी वो दिखती है कि रे मुसलमान है। नहीं साहब, हिंदुस्तान गांधी 1938 से वो पोजीशन रहा है और वो कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है हिंदुस्तान का, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिस तरह से सेटलमेंट गाजा को, मैं समझता हूं कि कॉलोनाइज करने की कोशिश हो रही है, कंप्लीट कॉलोनाइजेशन की, उसके पक्ष में जो विश्व की बड़ी ताकतें हैं ना, जो हथियार तक दे रही हैं, उन्हें पुनर्विचार करना होगा। ये मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है इसराइल के द्वारा।